चुंबकीय पृथक्करण, भारण, अपकेंद्रण। इस वीडियो में पृथक्करण की विधियां, चुंबकीय पृथक्करण, भारण, अपकेंद्रण। अरे सवाली, इस रेत में क्या खोज रही हो? संपर्क दीदी, मेरा लोहे का छल्ला इस रेत में कहीं गिर गया है, उसे खोजना तो बहुत मुश्किल लगता है। अरे नहीं सवाली, उसे खोजना तो बहुत आसान है। हमें जरूरत है सिर्फ एक चुंबक यानी मैग्नेट की। इस चुंबक को एक लकड़ी पर बांधते हैं और उस जगह पर घुमाते हैं जहां तुम्हारा लोहे का छल्ला गिरा था, ठीक है? लो, मिल गया तुम्हारा छल्ला। वाह संपर्क दीदी, पर ये कैसे हुआ? चुंबक, चुंबकीय पदार्थ जिन्हें अंग्रेजी में मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जैसे लोहा, निकल, क्रोमियम आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि छल्ला लोहे का बना है तो बस ये चुंबक से चिपक कर बाहर आ गया। अरे वाह! जानते हो, चुंबक का उपयोग करके हम चीजें अलग अलग यानी पृथक भी कर सकते हैं। चुंबक की सहायता से किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थ को पृथक करने की विधि को चुंबकीय पृथक्करण यानी मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। ऐसे भी काम आता है चुंबक? हाँ, चुंबकीय पृथक्करण की विधि का प्रयोग ऐसी जगहों पर किया जाता है जहाँ लोहे को और चीजों से अलग करना हो, जैसे वो कारखाने जहाँ पुरानी चीजों से कुछ नया उपयोगी बनाया जाता है, इन्हें रिसाइकल करने वाले कारखाने कहते हैं। ये तो नई बात पता चली, अब मैं अपना छल्ला पानी से धो लूं। अब इस गंदे पानी को कैसे साफ कर सकते हैं? छान कर। बिल्कुल सही, लेकिन इसका एक और तरीका है, भारण विधि। भारण? हाँ भारण, जिसे लोडिंग भी कहते हैं। चलो संपर्क भैया के पास चलते हैं, वो दिखाएंगे। आओ प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपको याद है ना कि कैसे अवसादन विधि से हमने रेत को बीकर के तले में बैठते देखा था? आज हम पृथक्करण की एक ऐसी विधि देखेंगे जिससे अवसादन को और बेहतर किया जा सकता है। इससे पानी में मिली अशुद्धियों को और अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। इस विधि को कहते हैं भारण। इसके लिए हमें चाहिए आधा बीकर जल, थोड़ी मिट्टी, स्टरर, फिटकरी का एक टुकड़ा और धागा। फिटकरी समझते हैं? फिटकरी एक रंगहीन, कुछ सफेद सा दिखने वाला क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जिसे अक्सर पानी साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी को बीकर में डालें और स्टरर की सहायता से अच्छे से मिला लें। अब फिटकरी के टुकड़े को एक धागे से बांधकर गंदे जल में घुमाएं। थोड़ी देर घुमाने के बाद फिटकरी को बाहर निकाल लें और कम से कम 4-5 घंटों के लिए बीकर में भरे गंदे जल को छोड़ दें। तो अब हम इसे अगले दिन देखेंगे, ठीक है?
अरे वाह, देखो गंदा जल कितना साफ हो गया। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल में उपस्थित मिट्टी के कण फिटकरी से चिपक कर भारी हो जाते हैं और बीकर की तली में बैठ जाते हैं। अब हम साफ जल को फिल्टर पेपर की सहायता से दूसरे बीकर में छानकर और साफ कर सकते हैं। ये तो हुई चुंबकीय पृथक्करण और भारण की विधियां। जानते हो बच्चों, हम मिट्टी को जल से अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन की विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं। अपकेंद्रण वो क्या होता है संपर्क दीदी? अरे घर में आपने कभी मट्ठे को मथ के मक्खन निकालते हुए देखा है? वो भी अपकेंद्रण ही होता है। इसे समझने के लिए आओ एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक परख नली, मटमैला यानी मिट्टी मिला हुआ जल, एक कॉर्क और एक धागे का टुकड़ा। परख नली में मटमैला जल डालें और कॉर्क की सहायता से उसका मुंह बंद कर दें, जिससे पानी बाहर न गिरे। अब परख नली को मुंह के पास से एक धागे से बांध दें। धागे के दूसरे सिरे को पकड़ें और उसे सिर के ऊपर जोर जोर से घुमाएं। चलो अब परख नली का अवलोकन करते हैं। देखा तुमने बच्चों, सारी मिट्टी परख नली के तल पर इकट्ठी हो गई। हाँ दीदी, पर ऐसा कैसे हुआ? जब हम किसी वस्तु को जोर जोर से एक वृत्त के रूप में घुमाते हैं तो उस पर बाहर की ओर एक बल लगता है। चूंकि परख नली को हमने धागे से बांधा हुआ था, इसलिए उस पर तो बल का प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जल में स्थित मिट्टी के कण तो नहीं बंधे थे ना, इसलिए वे इस बल के कारण बाहर की ओर फेंक गए और परख नली के तल पर एकत्रित हो गए। अरे हाँ, पर ऐसा क्यों संपर्क दीदी? क्योंकि ये विधि पदार्थ के भार पर निर्भर करती है। जो पदार्थ जितना भारी होगा उस पर उतना अधिक बल लगेगा और वो उतना दूर जाएगा। घर पर भी हम देखते हैं कि मट्ठे को मथने पर मक्खन ऊपर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मक्खन हल्का होता है। दीदी, हम और कहां करते हैं अपकेंद्रण? खोजी, इस विधि का एक सामान्य उदाहरण तो दूध से क्रीम को पृथक करना ही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों में अपकेंद्रण यंत्रों का प्रयोग करके पृथक्करण किया जाता है। खून की जांच करने वाली लैबोरेटरी में भी इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा बच्चों, तो चलो देखते हैं आज जो हमने सीखा वो तुम्हें कितना समझ में आया। बताओ तो जरा, यदि हमें बुरादे के ढेर में से लोहे की कीलें पृथक करना हो तो किस विधि का प्रयोग करना उचित होगा? संपर्क दीदी, मुझे लगता है चुंबकीय पृथक्करण की विधि उचित होगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि दीदी, लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। जब हम एक चुंबक को मिश्रण के ऊपर फेरेंगे तो लोहे की कीलें चुंबक में चिपक जाएंगी और बुरादे से पृथक हो जाएंगी। शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर नल से आने वाला पानी मटमैला हो तो उसे घर में ही कैसे साफ कर सकते हैं? छान कर दीदी।
मरकरी डालकर भारण से भी तो साफ कर सकते हैं। शाबाश। इसके बाद बस पानी को उबाल भी लो तो ये पूरा शुद्ध हो जाएगा। अच्छा बताओ, किस विधि में गोल गोल घुमाकर एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग किया जाता है? सोचो। संपर्क दीदी, ऐसे गोल गोल घुमाकर तो अपकेंद्रण विधि द्वारा पदार्थों को पृथक किया जाता है ना? बिल्कुल ठीक कहा सवाली। आज के लिए बस इतना ही। घर जाकर इन विधियों का अभ्यास अवश्य करना। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया, 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।